क्या आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस और पूरा करना चाहते हैं वर्दी पहनने का सपना इस सन 2023 में? आज ही संपर्क करें हमारे ऑफिशियल नंबर पर और ले जानकारी अपकमिंग डिफेंस एग्जाम्स के कोर्सेज की, जहां आपको मिलने वाली है रेगुलर क्लासेस, वीकली मॉक टेस्ट, फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री SSB इंटरव्यू क्लासेस, इंडिया का लार्जेस्ट GTO ग्राउंड, हॉस्टल एंड मेसिंग फैसिलिटी, स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस के साथ में 24/7 लाइब्रेरी फैसिलिटी भी। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद एंड डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स क्लास 11 फाउंडेशन की आज क्लास में आपका स्वागत है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आज हम लोग करने वाले हैं, जो कि होंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से। ठीक है, आपको बता दूं हमारे बच्चे ही हमारी पहचान है। एनडीए 149 में ये हमारे लेटेस्ट सिलेक्शन है जिन्होंने नेशनल डिफेंस अकेडमी ज्वाइन की है। ऐसे ही 150 कोर्स के लिए भी सिलेक्शन आ रहे हैं खूब सारे। यहाँ पर सेंचुरियन प्रेजेंट करता है सेंचुरियन डिजिटल, आपको ऐप और लाइव की क्लासेस, उसमें सारी सुविधाएं मिलेंगी, डेली क्लासेस, वीकली मॉक टेस्ट मटेरियल एंड एवरी अपडेट। यहाँ पर 21 दिन की SSB का भी बैच स्टार्ट होने वाला है, जो कि 27 फरवरी यानी कि आज और 13 मार्च से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये कुछ बैचेस हैं जो अभी शुरू होने वाले हैं 21 दिन की SSB। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं SSB की, चाहे NDA, CDS, FCAT कोई भी हो, NDA, CDS, MNS, फाउंडेशन, नेवी, एयरफोर्स, कोई भी तैयारी आप करना चाहते हैं तो सेंचुरियन पर आपको सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। यहाँ पर बेस्ट तैयारी कराई जाती है, सो डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। एनरोल योर चांस टू गेट इन टू द डिफेंस। करेंगे आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि हमने देखे कि ये पूछे जा चुके हैं डिफेंस NDA के एग्जाम में। ठीक है ना, तो जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, वो आज हम लोग करने वाले हैं थर्मल प्रॉपर्टीज से। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो थर्मल कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस है वो है 5 कैलोरी पर फारेनहाइट, पर फारेनहाइट। तो वॉट इज द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस, तो यानी वाटर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? वाटर इक्विवेलेंट निकालते हैं कि आप निकाल लीजिए थर्मल कैपेसिटी किसी ऑब्जेक्ट की इन कैलोरीज। ठीक है ना, कैलोरीज पर डिग्री सेल्सियस में निकाल लीजिए और आपको क्या मिलेगा, फिर आपको वाटर इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो कैलोरीज में अगर निकालना है तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ फारेनहाइट में दिया हुआ है और आपको डिग्री सेल्सियस में लाना है, तो याद करिए जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, डिग्री सेल्सियस माइनस 0/100 इज इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273/100 इज इक्वल्स टू फारेनहाइट में क्या था, डिग्री फारेनहाइट माइनस 32/180। एक होता है र्यूमर, ठीक है ना, र्यूमर भी आपको याद रखना है, र्यूमर का होता है 0/80। यहां पर आपको डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट में कन्वर्जन करना है, तो आप यहां पर कन्वर्जन कैसे करेंगे, आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, आप बोलेंगे डिग्री सेल्सियस माइनस 0/100 इज इक्विवेलेंट टू डिग्री फारेनहाइट में जो रीडिंग आती है माइनस 32/180, ये कट जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर मिल जाएगा आपको, ये इधर आ जाएगा, डिग्री फारेनहाइट को अगर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 1.8 हो जाएगा, इधर 18/10 1.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, और ये प्लस 32 इधर भेज दीजिए, तो डिग्री फारेनहाइट सेल्सियस में इसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है वो अब देखिए। जो आपका चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर अगर फारेनहाइट में है तो डिग्री सेल्सियस में कितना चेंज होगा ये बताएगा आपको। ये तो रीडिंग होती है कि भाई जो आपकी रीडिंग है डिग्री फारेनहाइट में कितनी आती है और डिग्री सेल्सियस में कितनी आती है। आपको क्या करना है, आपको डिग्री सेल्सियस में लाना है चेंज इन टेम्परेचर को। तो यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर क्या हुआ, अगर चेंज इन टेम्परेचर डिग्री फारेनहाइट में जो होता है वो कंपेयर करें तो 1.8 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ठीक है ना, क्लियर। तो यहां पर आप देखेंगे कि इस तरीके से जो आपका डिग्री फारेनहाइट है उसकी जगह 1.8 डिग्री सेल्सियस आप लिख सकते हैं। तो आपकी जो थर्मल कैपेसिटी हुई, ठीक है, तो थर्मल कैपेसिटी जो आपकी हुई वो थर्मल कैपेसिटी मतलब कि MC जिसे कहते हैं हम, सी स्पेसिफिक हीट होती है, तो MC इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 कैलोरी, कैलोरी में ही रहने दीजिए क्योंकि हमें तो थर्मल कैपेसिटी कैलोरी में ही निकालनी है ताकि वाटर इक्विवेलेंट बन सके वो, डिग्री फारेनहाइट की जगह 1.8
डिग्री सेल्सियस लिख दीजिए, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखेंगे कि आपको जो वैल्यू मिलेगी, यहां पर चेंज इन टेम्परेचर जब डिग्री फारेनहाइट में आप देखेंगे तो उससे कॉरेस्पॉन्डिंग डिग्री सेल्सियस में चेंज कितना होगा, वो बेटा आप यहां पर बोल सकते हैं डिग्री सेल्सियस का जो होता है वो होता है डिग्री फारेनहाइट में जो चेंज हो रहा है डिवाइडेड बाय 1.8, ठीक है ना। मतलब चेंज इन टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो चेंज इन टेम्परेचर कैसे कंपेयर करेंगे, हम बोलेंगे चेंज इन टेम्परेचर निकालना है आपको, तो जब आपका एक डिग्री सेल्सियस में चेंज होगा, ठीक है ना, तो फारेनहाइट में आपको ज्यादा चेंज मिलेगा जो कि इतना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इसको लाके डिवाइड कर सकते हैं और आप लिखेंगे कि ये डिग्री सेल्सियस जो है इसकी जगह आप लिखिए डिग्री फारेनहाइट डिवाइडेड बाय 1.8। अब ये 1.8 ऊपर चला जाएगा, 5 × 1.8 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 9, ठीक है ना। तो 9 ग्राम वाटर इक्विवेलेंट आ रहा है कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, ये आ रहा है 9 ग्राम वाटर इक्विवेलेंट, ठीक है, क्लियर। तो 9 ग्राम आपका आएगा वाटर इक्विवेलेंट, एक सेकेंड यहां पर उल्टा कर दिया, कैसे किया था, जैसे पहले सही किया था, यहां पर डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल्स टू 1.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो डिग्री फारेनहाइट में जब चेंज होगा तो आप इससे कंपेयर करेंगे और यहां पर हो जाएगा डिग्री फारेनहाइट जो है चेंज इन टेम्परेचर में जो है फारेनहाइट दिया हुआ है आपको, डिग्री सेल्सियस के लिए क्या लिखना पड़ेगा 1.8 डिग्री सेल्सियस, यहां हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1.8 क्या होता है 9/5, ठीक है ना, क्लियर। तो 25/9 ये आएगा 25/9, ठीक है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि यहां पर सेंटीग्रेड थर्मोमीटर और फारेनहाइट थर्मोमीटर आर डिप्ड इन बॉइलिंग वाटर, एक सेंटीमीटर में है और एक फारेनहाइट में है। गुड इवनिंग एवरीवन, चलिए बहुत बढ़िया, अगर लाइक कर दिया तो जल्दी से जल्दी जुड़िए, अपने दोस्तों को बुलाइए और शेयर करिए वीडियो उनके साथ, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, अभी हम कर रहे हैं 2006 के क्वेश्चन, ऐसे ही करते हुए हम लेटेस्ट क्वेश्चंस तक आएंगे। यहां पर सेंटीग्रेड एंड थर्मामीटर, आप सेंटीग्रेड थर्मोमीटर दिया है, फारेनहाइट थर्मोमीटर दिया है, आर डिप्ड इन बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर में डिप किए गए हैं, द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज लोअर्ड टिल द फारेनहाइट थर्मोमीटर रजिस्टर्स हाफ ऑफ इट्स अपर फिक्स्ड पॉइंट। तो ये कह रहा है कि टेम्परेचर ऑफ वाटर इज लोअर्ड, कब तक लोअर किया गया है, कम किया गया है, टिल द फारेनहाइट थर्मोमीटर रजिस्टर्स हाफ ऑफ इट्स अपर वैल्यू, जो उसका अपर फिक्स्ड पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग जो होगा वो हमें देखना है। तो व्हाट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग फॉल ऑफ टेम्परेचर इन रजिस्टर्ड इन द सेंटीग्रेड थर्मोमीटर, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट में रिलेशन लिख लेना है, आप बोलेंगे ये रिलेशन जो है इसको हमें यूज करना है, ठीक है। अब यहां से आपको देखने में ही पता लग रहा होगा 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 32 डिग्री फारेनहाइट, उस दिन मैंने बताया था आपको, और इसमें 100 ऐड कर देंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्विवेलेंट टू, यहां पर हो जाएगा 132, कितना इंक्रीज करना है यहां पर, सॉरी यहां 180 इंक्रीज करना है, तो 180 इंक्रीज करिए 32 के आगे, जैसे 0 से 100 इंक्रीज किया 32 से 180 इंक्रीज करिए 212 आ जाएगा, 212 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है ना। अभी ये कह रहा है कि सेंटीग्रेड थर्मोमीटर और फारेनहाइट थर्मोमीटर जो थे आर डिप्ड इन बॉइलिंग वाटर, तो बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर रहा होगा, अब फारेनहाइट में आपकी रीडिंग रही होगी 212, ठीक है। वो ये कह रहा है कि टेम्परेचर कब तक गिरा, जब तक फारेनहाइट वाला थर्मोमीटर आधी वैल्यू नहीं रीड करता, ठीक है। तो जो फाइनल टेम्परेचर है वो ऐसा है कि फारेनहाइट में आधी वैल्यू आ रही है, आप बोलोगे फारेनहाइट टेम्परेचर आधा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 106 डिग्री फारेनहाइट, तो 106 डिग्री फारेनहाइट आपका कितना होगा, अभी हमने फॉर्मूला इसी से निकाला था, है ना, डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल्स टू 1.8 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है।
तो यहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट में वैल्यू अब कितनी रखनी है आपको, आधी कर देनी है, 212 से आधी हो जाएगी 106। डिग्री सेल्सियस में कितनी होगी ये आपको बतानी है, डिग्री सेल्सियस में कितनी होगी, 32 इधर लाके माइनस कर दीजिए, यहाँ जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 74, कितना हो जाएगा 74, 1.8 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर आपको डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आ गई, ठीक है ना, तो ये आ जाएगी 74 डिवाइडेड बाय 180, ऊपर चला जाएगा। डिग्री सेल्सियस में जो रीडिंग आ रही है वो कितनी आ रही है, देखिए 18 थ्रीजा होता है 74, तो 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, तो 30 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अपर फिक्स्ड पॉइंट का आधा हो गया अगर, तो रेजिस्टर हाफ ऑफ इट्स अपर फिक्स्ड पॉइंट, व्हाट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग, अच्छा फॉल ऑफ टेम्परेचर, तो फॉल ऑफ टेम्परेचर क्या हुआ, यहां से आ रहा है आपका कितना, ये आ रहा है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, तो 30 डिग्री सेल्सियस में आपकी रीडिंग आ रही है। और यहां पर फॉल ऑफ टेम्परेचर आपका कितना होगा, यहां पर पहले बॉइलिंग वाटर था तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, अब फॉल ऑफ टेम्परेचर कितना होगा आप देखेंगे, 30 डिग्री सेल्सियस है ना, तो फाइनल टेम्परेचर 30 हो गया, तो चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा कितना, 100 से 30 हो गया, मतलब 70 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, तो 70 डिग्री सेल्सियस आ गया। हाफ ऑफ इट्स रेंज ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द अपर एंड द लोअर, मतलब अपर एंड लोअर में तो आपका 0 एंड 100 का हाफ हो जाएगा 50, अप्रॉक्सीमेटली 41 डिग्री सेल्सियस, अप्रॉक्सीमेटली 59 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर 70 आ रहा है हमारा, तो फॉल ऑफ टेम्परेचर रजिस्टर्ड बाय द सेंटीग्रेड थर्मामीटर, ओके, तो चेंज इन टेम्परेचर का अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो यहां पर ये कह रहा है कि अपर और लोअर रीडिंग आपको पता चल गई है, ठीक है, कि बॉइलिंग वाटर था, तो इसका मतलब है कि यहां पर सेंटीग्रेड में आपकी 100 डिग्री सेल्सियस पर 212 फ़ारेनहाइट थी, अब इसकी रीडिंग आधी गिर गई है, ठीक है ना, तो यहां पर आपका चेंज इन टेम्परेचर जो हुआ ये हुआ 180, कहां से 32 फ़ारेनहाइट से इतना बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर होता है, और अगर फॉल ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर देखें तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का हुआ इंक्रीज, ठीक है ना, और यहाँ पर आपका जो आधा हो जाएगा तो डिग्री सेल्सियस में भी चेंज इन टेम्परेचर आधा हो जाएगा, तो ये 180 का आधा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर 1.8 डिग्री सेल्सियस में जो चेंज आएगा उसको एक्सप्रेस करेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस में जो चेंज इन टेम्परेचर होगा वो आ जाएगा 50, तो ये ए ऑप्शन, हाफ ऑफ द रेंज ऑफ टेम्परेचर बिटवीन अपर एंड द लोअर फिक्स्ड पॉइंट। जैसे कि वो ये कह रहा है कि चेंज इन टेम्परेचर पे ध्यान दीजिए, वैल्यूज पर मत जाइए, आपको यहाँ पर यहाँ पर फॉल ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, जब आपकी रीडिंग गिर रही है तो दोनों में आपकी आधी हो जाएगी रीडिंग, है ना, फॉल ऑफ टेम्परेचर जो होता है वो भी आधा ही होगा दोनों ही स्केल्स में, क्योंकि आपका जो रीडिंग है चेंज इन टेम्परेचर दोनों में ही आधा होगा, क्योंकि सिंपली वो कह ही रहा है कि बॉइलिंग वाटर है उसका आधा कर देना है, तो आधी रेंज हो जाएगी, चाहे डिग्री सेल्सियस में हो चाहे फ़ारेनहाइट में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, टू स्फीयर्स ऑफ द सेम मेटल हैव रेडियाई इन द रेशियो 1:2, तो जो दो स्फीयर्स हैं ऑफ सेम मेटल उनका रेडियस दिया हुआ है 1:2 रेशियो में है, तो देयर हीट कैपेसिटीज आर इन व्हाट रेशियो, तो हीट कैपेसिटी किस रेशियो में होगी आपको बताना है, ठीक है, जल्दी से आंसर करिए बच्चों।
इस क्वेश्चन में मैं रिपीट कर दे रहा हूँ बेटा, यहाँ पर आपको जो कह रहा है कि सेंटीग्रेड थर्मामीटर और फारेनहाइट थर्मामीटर है, ठीक है ना, तो ये कह रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज लोअर टिल द फारेनहाइट थर्मामीटर रजिस्टर हाफ ऑफ इट्स अपर फिक्स्ड पॉइंट। तो हाफ ऑफ इट्स अपर फिक्स्ड पॉइंट जो है, इसके हिसाब से तो हमने पहले सही किया था कि जो आपका रीडिंग है वो आधी हो जाएगी, ठीक है, तो आधी हो जाएगी रीडिंग। तो एक बार बताइए, आधी ही उसमें होनी चाहिए कि नहीं? अच्छा, फारेनहाइट और इसमें आपको रिलेशन देखना है। देखिए, फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में, जब आपकी फारेनहाइट की रीडिंग डिग्री सेल्सियस की रीडिंग 0 से 100 जाती है, एक बार मैं फिर समझाऊंगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पर आपकी फारेनहाइट में या डिग्री सेल्सियस में इतनी रीडिंग जब चेंज होती है तो फारेनहाइट में होती है 180 ऐड कर दीजिए 212 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है ना, 32 प्लस 180, ठीक है ना, 180 का चेंज होता है यहाँ पर। अब ये कह रहा है कि टेम्परेचर गिराया गया है बॉइलिंग वाटर का, मतलब कि 212 से गिरा के कहाँ लेके गए, हाफ कर दिया है। तो हाफ कर दिया है तो आप देखेंगे डिग्री सेल्सियस डिग्री फारेनहाइट में आपको मिलेगा 106, इसका आधा, ठीक है, 106 डिग्री फारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस में ये कितने टेम्परेचर के बराबर होगा? तो डिग्री सेल्सियस में आप टेम्परेचर निकालते कैसे हैं? डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है 1.8, ठीक है ना, सॉरी फारेनहाइट वाला रिलेशन था, फारेनहाइट में जो टेम्परेचर होता है वो होता है 1.8 टाइम्स डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। फिर यहां पर आप देखेंगे कि जो आपको फारेनहाइट की रीडिंग है 106 मिलनी चाहिए, डिग्री सेल्सियस की रीडिंग आपको पता नहीं तो x मान लीजिए, ठीक है ना, तो यहां पर 1.8 मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.8 इंटू एक्स प्लस 32, तो ये x की फारेनहाइट में रीडिंग आ रही है। तो फारेनहाइट में जो रीडिंग आनी चाहिए वो इतनी आनी चाहिए, यहां माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 106, ठीक है, तो 106 माइनस 32 ये हो जाएगा 74 अपॉन 1.8 यहां पर आ जाएगा, ठीक है, तो 1.8। नाउ दिस इज 18, जीरो आ जाएगा ऊपर, ठीक है ना, तो अगर 18 लिखता हूं तो जीरो आ जाएगा, ये आ जाएगा 30। तो फारेनहाइट में आपका टेम्परेचर कहां तक पहुंच गया है? लोअर करके 30 डिग्री सेल्सियस जब फारेनहाइट में यहां पहुंचा तो डिग्री सेल्सियस में यहां पहुंचा, ठीक है ना। तो यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर कितना होना चाहिए बेटा? चेंज इन टेम्परेचर आपका 100 डिग्री से टेम्परेचर गिरा के 30 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया तो 70 होना चाहिए, एंड 70 इज नॉट दी ऑप्शन, तो यहाँ पर 70 ही आएगा मेरे हिसाब से, जो हमने पहले आंसर निकाला था 70 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो है इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। क्वेश्चन कई बार मिसप्रिंट हो जाते हैं तो इसकी टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू स्फेयर्स ऑफ द सेम मेटल हैव रेडियाई इन रेशियो 1:2, दो स्फेयर्स हैं जिनका रेडियस 1:2 में है, देयर हीट कैपेसिटीज आर इन व्हाट रेशियो। तो हीट कैपेसिटी तो मास इनटू स्पेसिफिक हीट होती है, मटेरियल सेम है तो मास इनटू स्पेसिफिक हीट जो होती है एमसी, इसका रेशियो आप निकालिए, ये हीट कैपेसिटी होती है थर्मल कैपेसिटी, ठीक है ना, इसका रेशियो क्या आ जाएगा, m1 अपॉन m2 के बराबर आएगा। मास कैसे निकालते हैं, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा 4/3 πr³, ठीक है, c तो कट जाएगा, यहां पर हो जाएगा डेंसिटी 4/3 πr³, ये भी पूरा कॉमन है कट जाएगा, डेंसिटी दोनों ही सेम मेटल के हैं तो डेंसिटी भी सेम होगी, r1/r2³, r1:r2 1:2 रेशियो में है तो इसका क्यूब कर दो 1:8, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट 1:8, ओके, ठीक है, ऑल राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, टू इक्वल अमाउंट्स ऑफ वाटर आर मिक्स्ड बाय जेंटल पोरिंग बोथ इनटू इंसुलेटेड कप, दो इक्वल अमाउंट्स ऑफ वाटर हैं दोनों को इंसुलेटेड कप में डाला, वन पार्ट इज इनिशियली एट 90 एंड द अदर पार्ट इज इनिशियली एट T1, इफ द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज 131, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T। तो इक्वल अमाउंट्स ऑफ वाटर है जो आपका दो अलग अलग टेम्परेचर की पानियों को मिलाएंगे, अगर इक्वल मास है दोनों का तो टेम्परेचर इक्विलिब्रियम का जो होगा वो एवरेज होगा। तो यहाँ पर
इक्विलिब्रियम यानी मिक्सचर का जो टेम्परेचर दिया है वो दिया है 131, ये एवरेज होगा किसका, यहाँ पर जो टेम्परेचर है 90 और दूसरा है T1, इसका एवरेज ये आपका हो जाएगा 162 is equals to 90 plus T1. T1 टेम्परेचर आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 72, ठीक है ना। तो माइनस करिए यहां पर 72 आ जाएगा, T1 is equals to 72. अब ये भी ऑप्शन में नहीं आ रहा है तो ये क्वेश्चन मिसप्रिंट लग रहे हैं मुझे, कोई बात नहीं, इसका 72 आएगा। सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन आसान है, ऑप्शंस गड़बड़ है तो कोई बात नहीं, इसकी चिंता मत करिए, सब होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डू आइस ब्लॉक्स जॉइन टू फॉर्म वन ब्लॉक व्हेन प्रेस्ड टुगेदर। अब इसका एग्जांपल क्या है, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, आइस ट्रे से आइस क्यूब्स निकाल लिए छोटे छोटे, ठीक है, अब उसको एक ट्रे में रख दिया, तो एक के ऊपर दूसरा जब आइस क्यूब रखा जाता है तो वो दोनों जुड़ जाते हैं थोड़ी देर में। क्यों जुड़ जाते हैं ये देखते हैं, ये जुड़ इसलिए जाते हैं क्योंकि आप देखेंगे, बिल्कुल सही ब्यूटी 72, यहां पर ये इसलिए जुड़ जाते हैं क्योंकि जब प्रेशर पड़ता है ना तो टेम्परेचर जो होता है फ्रीजिंग का या फिर कह लो मेल्टिंग का वो चेंज हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं रह जाता। एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने एक आइस का ब्लॉक, मान लीजिए एक स्लैब लिया, ये स्लैब है और मैंने ऐसे रख दिया यहां पर, और मैंने क्या किया इसमें एक रस्सी दोनों तरफ से ऐसे लपेट के इस तरीके से बांध दी और दोनों तरफ से मास लटका दिया। अब मैंने रस्सी जब इसके सराउंडिंग में ऐसे रख के दोनों तरफ मास लटका दिया तो ये जो स्लैब है ये स्लैब पूरा कट जाएगा लेकिन वैसा का वैसे ही खड़ा रहेगा और रस्सी पूरा आर पार हो जाएगी, ये रस्सी नीचे चली जाएगी। द रीजन बींग वेरी सिंपल, होता क्या है जब आपने वजन लटकाया साइड में तो जो रस्सी आपने उसके ऊपर स्लैब के ऊपर रखी है उसका प्रेशर पड़ेगा, अब उसका प्रेशर जब स्लैब पर पड़ेगा तो हाई प्रेशर में जल्दी मेल्ट होने लगेगा, जो मेल्टिंग 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है वो नेगेटिव टेम्परेचर में ही होने लगेगी। जैसे आइस का टेम्परेचर नेगेटिव होगा तो कम टेम्परेचर होगा, 0 से भी कम, उसी पर मेल्टिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाएगा, तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो, ठीक है ना। अब वो आइस मान लो -4 डिग्री सेल्सियस पे ही पिघल जाएगी, जैसे ही वो क्रॉस कर जाएगा तब वो पिघली हुई आइस वापस जम जाएगी क्योंकि अब तो प्रेशर हट गया, तो जैसे ही वो आइस पिघली पानी बना अब रस्सी नीचे चली गई वो आइस वापस जम जाएगी क्योंकि वहां पर उसका टेम्परेचर पानी का -4 डिग्री सेल्सियस था और वो तुरंत आइस बन जाएगा। ऐसे ही क्रॉस करती रहेगी और ऊपर वाली आइस वापस जो है पानी जो बनी थी वो वापस आइस बन जाएगी, तो ये पूरी रस्सी क्रॉस कर जाएगी। तो एट इंक्रीजिंग द प्रेशर द मेल्टिंग पॉइंट इज एक्चुअली नेगेटिव फॉर आइस, ठीक है ना, कम हो जाता है, ठीक है। तो आप बोलोगे मेल्टिंग पॉइंट इज डिक्रीज्ड, तो अब यहां पर क्या होगा कि जब एक आइस के ऊपर दूसरी आइस क्यूब रखी जाएगी तो वो प्रेशर फील प्रेशर पुट करेगी, प्रेशर लगाएगी, नीचे वाली आइस जल्दी पिघल जाएगी, जैसे ही पिघलेगी फिर वो साइड साइड से वो जो पानी होगा वो चिपक जाएगा वापस क्योंकि प्रेशर साइड साइड में नहीं था तो वो चिपक जाती है, स्टिक टुगेदर, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज लोअर्ड विद इंक्रीज इन प्रेशर, ए ऑप्शन इज करेक्ट, बिल्कुल सही है रिया, दैट्स करेक्ट, ब्यूटी ऑल राइट, वेरी करेक्ट। तो कम टेम्परेचर पे ही मेल्टिंग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवनिंग सन इज नॉट एज हॉट एज द मिड डे सन, जो इवनिंग का सन होता है वो ज्यादा गर्म नहीं होता है क्योंकि यहां पर आप देखेंगे जो सन का टेम्परेचर वो नहीं चेंज हो रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि इवनिंग में रेडिएशन स्लो हो जाती है, किस कारण स्लो होंगी ऐसा कोई रीजन भी नहीं है ना। तो यहाँ पर आप डी ऑप्शन देखिए, इन द इवनिंग रेडिएशन ट्रेवल लार्जर डिस्टेंस थ्रू एटमॉस्फेयर, और जब दूर से आ रही होंगी तो आप देखेंगे कि आपको शाम का सूरज जो होगा वो रेड कलर का दिखाई देता है, या सुबह का या शाम का रेड कलर का सूरज दिखाई देता है, तो उसका रीजन ये होता है कि जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है ना, उससे लाइट बेंड होते हुए आपके पास आ रही है, ठीक। तो जो रेड लाइट है वो आपको लास्ट में दिखाई देती है क्योंकि सूरज डूब चुका है, उसकी ब्लू लाइट तो ऊपर ही चली जा रही होगी, ब्लू लाइट जो है आप देखेंगे वो ऊपर से ही निकल जाएगी लेकिन रेड लाइट आपकी आंखों में आ रही होगी। तो यहाँ पर जो रेड लाइट होती है उसके कारण आपको सूरज लाल कलर का दिखाई देता है और वो कम गर्म भी लगता है, ठीक है ना, ठीक है।
तो यहाँ पर आप देखेंगे लार्जर डिस्टेंस से आने के कारण अब ट्रैवल ज्यादा करके आ रही है। अभी सन मान लीजिए यहाँ होता तो सीधे सीधे आ रही होती, तब तो वो आपको पूरा सारे कलर्स दिखाई देते, सिर्फ रेड नहीं दिखाई देता, पूरा दिखाई देता, तो व्हाइट कलर का सन दिखता, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस हाउ डज इट्स वॉल्यूम चेंज। वॉल्यूम कैसे चेंज होता है जब पानी को गर्म किया जाता है। तो जब 0 से 4 की तरफ टेम्परेचर जाता है तो 4 डिग्री सेल्सियस का पानी सबसे डेंस होता है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इंक्रीज होती है, ठीक है ना। और 0 से 4 तक तो इंक्रीज हो रही है डेंसिटी, फिर 4 के ऊपर आप जाएंगे तो वापस घटनी शुरू हो जाएगी क्योंकि 4 पे मैक्सिमम थी। अब डेंसिटी 4 डिग्री पर मैक्सिमम होती है तो वॉल्यूम मिनिमम होगा। तो कोई भी पानी है आपके पास अगर आप गर्म करोगे तो 4 डिग्री सेल्सियस तक उसकी डेंसिटी बढ़ेगी और वॉल्यूम कम होगा। डेंसिटी बढ़ेगी तो वॉल्यूम कम आएगा उसमें, तो वॉल्यूम पहले कम आएगा फिर 4 के ऊपर ज्यादा आने लगेगा, ठीक है ना। तो पहले डिक्रीज करेगा वॉल्यूम फिर इंक्रीज करेगा, इट शेल फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। ऑल राइट, ठीक है बेटा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अमाउंट ऑफ हीट गिवन अप व्हेन 20 ग्राम ऑफ आइस एट 100 डिग्री सेल्सियस इज कंडेंस्ड एंड कूल टू 20 डिग्री सेल्सियस। आइस सॉरी जो आपका स्टीम है उसको पहले ठंडा किया तो उसकी स्टेट चेंज करनी पड़ेगी। 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनाएगा तो 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम कंडेंसेशन जब करेगी तो उसका आप देखेंगे हीट रिलीज होगी। जब 100 डिग्री की स्टीम से 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर मिलेगा आपको तो एनर्जी रिलीज होगी, और आपकी कितनी एनर्जी रिलीज होगी लेटेंट हीट पे डिपेंड करता है। इक्वल्स टू ml, मास आपको दिया 20 ग्राम्स और लेटेंट हीट ऑफ जो वेपराइजेशन है वो होता है कितना 540 कैलोरीज, इतनी हीट आपकी निकलेगी। उसके बाद और ठंडा करोगे आप तो 100 डिग्री सेल्सियस पानी जो है 20 डिग्री सेल्सियस तक लाना है। तो 100 डिग्री सेल्सियस का जो वाटर है आप इसको 20 डिग्री सेल्सियस तक लाओगे तो यहां पर कितनी हीट रिलीज करनी पड़ेगी, एम सी डेल्टा टी, मास 20, सी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर विच इज 1 कैलोरी, डेल्टा टी हो गया 100 माइनस 20 मतलब कि 80, तो 80 इंटू 20 1600 कैलोरी। तो ये हो गया आपका कितना, इसको आप कैलकुलेट करिए, ये हो जाएगा आपका 10800 कैलोरी, इतनी हो गई। और यहां से 1600 तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए 10800 कैलोरी और वहां से 1600 तो ये हो जाएगा 20864 1240000 कैलोरी, इतनी कैलोरी हीट जो है रिलीज होगी, ठीक है ना। तो इतनी कैलोरी हीट रिलीज होगी। ठीक है, पहले स्टेट चेंज के लिए लेटेंट हीट रिलीज हुई, फिर उसके बाद और हीट रिलीज हुई एमसी डेल्टा टी से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच वार्म मटेरियल इज ट्रांसपोर्टेड सो एज टू डिस्प्लेस अ कूलर मटेरियल। जिसमें मटेरियल ही ट्रांसपोर्ट होता है वो तो सिर्फ कन्वेक्शन है, तो कन्वेक्शन में ही मटेरियल ट्रांसफर होता है, हॉट की तरफ कोल्ड आने लगता है या कोल्ड की तरफ हॉट, तो जो करंट पैदा होता है एक हॉट कोल्ड को रिप्लेस कर देता है
वो कन्वेक्शन होता है, ठीक है ना, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विद 1 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर थर्मल इक्विलिब्रियम द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज, तो यहां पर थर्मल इक्विलिब्रियम जब अचीव हो जाएगा तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर क्या होगा? तो जब आइस को स्टीम के साथ मिक्स करेंगे, स्टीम की इतनी ज्यादा लेटेंट हीट है कि बहुत ही कम 1/3 जैसी स्टीम खर्च होगी और पूरा पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, क्योंकि ये वाली जो लेटेंट हीट है ये बहुत ज्यादा है, कितनी है 540। इसको कितनी चाहिए, 1 ग्राम आइस को ये चाहिए 80 कैलोरीज। फिर इसको मान लो 100 डिग्री टेम्परेचर और गर्म करना है तो 100, तो टोटल आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, 1 ग्राम आइस को पिघला देना फिर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचा देने में टोटल रिक्वायरमेंट है सिर्फ 180 कैलोरीज की, और देने के लिए वो कितना तैयार बैठा है, 540 कैलोरी। तो यहां पर आप देखेंगे कि उतना खर्च ही नहीं होगा, 180 का मतलब है 1/3 ही खर्च होगा, 1/3 खर्च होगा और ये पूरी आइस जो है पिघल के और फिर गर्म होके 100 डिग्री सेल्सियस पानी बना देगी, और थोड़ा सा जो खर्च हुआ होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर होगा स्टीम से मिलने वाला, ओवरऑल टेम्परेचर आपको यही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अ फैन प्रोड्यूसेस अ फीलिंग ऑफ कंफर्ट ड्यूरिंग हॉट वेदर बिकॉज, एक फैन से आपको कूलिंग इफेक्ट क्यों मिलता है? बिल्कुल सही है बेटा, अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, एक फैन से कूलिंग इफेक्ट क्यों मिलता है? जो आपका पसीना सूखता है ना वो आपकी लेटेंट हीट चाहिए होती है उसको इवेपोरेशन के लिए, वो आपकी हीट बॉडी से लेके चला जाता है इसलिए आपको ठंडा लगता है, और परस्पिरेशन कॉजेज इवेपोरेशन, ठीक है ना, जो हमारा परस्पिरेशन होता है जो पसीना छूटता है वो इवेपोरेट होता रहता है इसलिए, ठीक है ना। तो फैन आपका पसीना सुखाएगा, आपको ठंडा फील होगा, और परस्पिरेशन इवेपोरेट्स रैपिडली, ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से पढ़िए। बिल्कुल सही ऑप्शन आंसर है बेटा, रिया ब्यूटी अर्पिता, दैट्स करेक्ट। चलिए अब इसका आंसर दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन में कह रहा है अ मैन विद अ डार्क स्किन इन कंपैरिजन विद अ मैन विद अ वाइट स्किन, तो किसके किसको जो है ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा हीट या कोल्ड को? तो जो आप गर्म ऑब्जेक्ट्स कब होते हैं, जब वो डार्क कलर के होते हैं, और डार्क कलर का कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो वो गर्म फील करेगा, ठीक है ना, क्लियर, वो लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो गर्म फील करेगा, ठीक है ना, तो गर्म फील करेगा तो उसे ठंड वो ज्यादा मोर हीट फील करेगा और लेस कोल्ड फील करेगा, तो हीट ज्यादा फील करेगा और कोल्ड लेस फील करेगा जो डार्क मैन होगा, ठीक है ना, तो जो डार्क कलर का होगा ऑब्जेक्ट वो हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा इसलिए, ठीक है, सी ऑप्शन। यहां पर लाइट की बात करनी है कि लाइट एब्जॉर्ब कौन करेगा,
बिल्कुल सही है ब्यूटी, कि जो ब्लैक ऑब्जेक्ट होता है वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है रेडिएशंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ये मैंने कल कराया था, अगर आप लोगों ने देखा हो कि जो स्केलिंग मैंने समझाई थी र्यूमर और डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट में कंपैरिजन बताया था, तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द स्मॉलेस्ट टेम्परेचर चेंज, ठीक है। तो टेम्परेचर की स्केलिंग किसकी सबसे छोटी होती है, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फारेनहाइट, र्यूमर। डिग्री सेल्सियस और केल्विन की स्केलिंग तो बराबर होती है जो कि बीच में होती है, र्यूमर की सबसे बड़ी स्केलिंग होती है क्योंकि उसके नीचे 80 आता है सबसे छोटा नंबर, सबसे बड़ा नंबर फारेनहाइट के नीचे 180 आता है, सबसे छोटी स्केल यही फारेनहाइट है, तो 1 डिग्री फारेनहाइट स्केल में सबसे कम टेम्परेचर चेंज होगा, फारेनहाइट स्केल में जो 1 डिग्री फारेनहाइट का चेंज होगा वो सबसे कम टेम्परेचर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द सन इज कॉन्स्टेंटली रेडिएटिंग एनर्जी एंड येट इट्स सरफेस टेम्परेचर इज नियरली कॉन्स्टेंट एट 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस सन के टेम्परेचर होता है, तो कॉन्स्टेंसी क्यों बनी रहती है, क्योंकि वहां पर फ्यूजन हो रहा है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन गैस जो है वो फ्यूल का काम करती है, उसका फ्यूजन रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन फ्यूज होता है तब सन की एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना, तो फ्यूजन इसका आंसर है। नेक्स्ट है, मेटल पाइप्स यूज टू कैरी वाटर समटाइम्स बर्स्ट इन विंटर, जो मेटल पाइप्स होती हैं उनमें पानी जम जाता है इसलिए वो फट जाती हैं, क्योंकि वाटर एक्सपैंड करेगा अगर वो फ्रीज होगा तो, वाटर इज द ओनली लिक्विड विच एक्सपैंड ऑन फ्रीजिंग, जो फ्रीज होने के बाद एक्सपैंड कर जाता है, तो इसीलिए पाइप फट जाती है, ठीक है। 16, इन अ प्रेशर कुकर कुकिंग इज फास्टर बिकॉज इट इंक्रीज बिकॉज द इंक्रीज इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या होता है, अगर एक कुकर है आपने इसमें बॉइलिंग अच्छी क्यों होती है कुकर में, इसलिए होती है क्योंकि जो कुकर होता है वो हाई टेम्परेचर अचीव कर पाता है, जैसे अगर आप एक पतीले में पानी गर्म करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा उस पतीले के पानी का टेम्परेचर नहीं हो सकता, 100 डिग्री सेल्सियस तक पानी का टेम्परेचर जाएगा उसके बाद रुक जाएगा, बढ़ेगा नहीं उसके बाद, ठीक है। अब यहां पर अगर आप कुकर में करते हैं तो कुकर में ढक्कन है क्लोज, अब वेपर जब बनेंगे तो बहुत जल्दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर हो जाएगा कुकर में, और जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो हाई प्रेशर में और वेपर्स बनने में मुश्किल आएगी, और वेपर्स बनने में इसलिए मुश्किल आएगी क्योंकि पहले से ऊपर बहुत ज्यादा वेपर प्रेशर है, प्रेशर बहुत ज्यादा है तो वेपर आपके बन ही नहीं पाएंगे, नए वो जाएंगे उनको टकरा के वापस भेज दिया जाएगा, ठीक है ना, वेपर्स को, तो वो जो वेपराइजेशन है अब स्लो हो जाएगा, इंक्रीजिंग इन प्रेशर जो होगा उससे बॉइलिंग पॉइंट फिर इंक्रीज हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि किस टेम्परेचर पे वेपर्स बनेंगे, और तो अब ज्यादा टेम्परेचर पर बॉइलिंग होगी तो आप पानी को ज्यादा गर्म कर सकते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से भी ज्यादा गर्म कर सकते हैं, जिससे आप चावल और आलू वगैरह पकाते हैं, ठीक है ना, तो बिकॉज द वेपर प्रेशर इंक्रीज इन वेपर प्रेशर इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देता है, मुश्किल होती है वेपर्स और बनाने में, तो उसका एक बेनिफिट होता है कि वेपर्स जो है अब हाई टेम्परेचर पे ही बनेंगे, हाई टेम्परेचर तक टेम्परेचर जा सकता है, ठीक है ना, विदाउट होल वाटर टू बी कंज्यूम्ड, पानी पूरी तरीके से वेपर नहीं कन्वर्ट होगा और पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री से ज्यादा भी हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये इसलिए होता है। अच्छा, आप देखेंगे फिर अगर आप पहाड़ों पर जाते हैं तो पहाड़ों पर बॉइलिंग स्लो हो जाती है, इसका रीजन क्या होता है, मतलब वहां पर बॉइलिंग के साथ बॉइलिंग फास्ट हो जाती है, सॉरी वहां पर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग बहुत जल्दी हो जाती है, तो जो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग होती है वो 80 डिग्री सेल्सियस पर ही हो जाएगी, है ना, तो पहाड़ों पर आपको कुकिंग करने में और मुश्किल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिनोमेना ऑफ ट्रेड विंड्स, ट्रेड विंड्स क्या होती है, कि गर्म जगह से हवा चलती है ठंडी तरफ, ठीक है ना, तो यहां पर कंडक्शन तो नहीं होगा, कन्वेक्शन ऑफ हीट, कन्वेक्शन को बोलते हैं ट्रेड विंड्स। थर्मोमीटर ए एंड बी हैव आइस पॉइंट्स मार्क्ड 15 डिग्री एंड 25 डिग्री सेल्सियस एंड स्टीम पॉइंट्स एट 75 डिग्री सेल्सियस एंड 125 डिग्री सेल्सियस, तो दो थर्मोमीटर्स हैं
जिनमें आइस पॉइंट जो है 15 and 25 है और स्टीम पॉइंट यानी जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है एक्चुअली वो है 75 and 125. When a thermometer A measures the temperature of a body at 60 degree, the reading of B will be. अब यहाँ पर रीडिंग आपको दो स्केल्स में कंपेयर करनी है, ठीक है? मैंने आपको बताया था कोई भी चीज हो जब उसकी स्केलिंग होती है तो मैंने आपको एक बताया था टेम्परेचर डिनोट्स कोई भी एक्स क्वांटिटी है, जैसे मैंने रेजिस्टेंस या फिर लेंथ ऑफ द मर्करी इन ट्यूब में बात की थी, तो आप टी टेम्परेचर में जीरो टेम्परेचर में अपॉन 100 and 0 इनमें कंपैरिजन करते हैं, ठीक है ना? अब ये कह रहा है कि जो थर्मामीटर है ठीक उसमें ए और बी दो स्केल्स है, ठीक है ना? तो ए एंड बी दो स्केल्स हैं और दो तरीके के जो थर्मामीटर हैं उसमें 0 डिग्री सेल्सियस की जगह 15 है और 100 की जगह 75 है, दूसरे वाले में 25 and 125 है. तो आपको यहां पर क्या करना है, आप बोलेंगे कि जो भी आपकी ये है एक्स स्केल ए स्केल, ठीक है ना, जो ए स्केल का टेम्परेचर होगा ठीक है उसको मैं रीडिंग को ए बोल देता हूं. तो आप बोलोगे कि जो आपका टी टेम्परेचर होगा ठीक है ना, तो ए स्केल में जो टी टेम्परेचर होगा ठीक है वो आप ऐसे लिखिए टी टेम्परेचर इन ए स्केल, ठीक है ना? वो कैसे आएगा, आपकी जो भी स्केलिंग हो रही है किसी भी चीज की वहां पर आपका स्केलिंग क्या है, इसी फॉर्मूले को यूज करिए. ये आपका जो टेम्परेचर है इसमें ए स्केल की रीडिंग माइनस जीरो स्केल की रीडिंग. ए में आप देखेंगे जीरो स्केल आपकी 15 है, ठीक है, और 100 में आपकी कितनी है, 100 में 75 है माइनस 15, ठीक है ना? एक्स जीरो क्या है, जो जो भी क्वांटिटी है वो 15 है जीरो की जगह और 75 है 100 की जगह. तो यहां पर ए का जो आपका टेम्परेचर है वो इतना होगा, ठीक है? तो आपको जो सेम टेम्परेचर है बात का तो सेम ही रहेगा लेकिन स्केल्स अलग अलग मिलेंगी. और यहां पर बी स्केल में आप इसी तरीके से लिखेंगे माइनस 25 और उसकी अपर स्केल 125 गई है, तो 125 माइनस 25. यहां पर आपको ए टेम्परेचर दिया हुआ है, ए वाली स्केल में टेम्परेचर है 60, तो ये 60 हो गया. तो इसकी रीडिंग बतानी है कि इससे इक्विवेलेंट बी में क्या रीडिंग आएगी, तो यहां पर आप इसको कंपेयर कर देंगे और ये हो जाएगा आपका 45 अपॉन 60, 15 की टेबल से गया 3/4. ये हो जाएगा आपका टी, बी स्केल में टेम्परेचर निकालना है, टी बी की वैल्यू निकालनी है और ये हो गया 100, ठीक है? तो यहां से आप इसको लेके आ जाइए, ये हो जाएगा 25, कट हो जाएगा 25 into 3 75, टी बी की वैल्यू आ गई 75 और यहां पर ये हो जाएगा आपका माइनस, इधर जाके प्लस हो जाएगा 25, कितनी आ जाएगी 100 डिग्री. बी स्केल में आपको 100 की रीडिंग मिलेगी, ठीक है? तो कोई भी क्वांटिटी है एक्स क्वांटिटी जो कि यहां पर रीडिंग है 15 75 लोअर एंड अपर लिमिट्स हैं ए स्केल में, तो ए और बी में जो भी होगा टेम्परेचर तो सेम ही बात का है, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में जो होता है वो इस तरीके से आप सेम ही पाओगे दोनों में. तो 100 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल सही है बेटा, दैट्स करेक्ट आंसर. रिया, अनु, ब्यूटी, दैट्स करेक्ट, डी ऑप्शन. जिसने लाइक नहीं किया जल्दी लाइक करो, शेयर करो बेटा वीडियो को, लाइक करो. बिल्कुल सही, वेरी गुड. जिनका भी 100 डिग्री सेल्सियस आया वो सही है. क्वेश्चन नंबर 19, यहां पर आपको टेम्परेचर का ग्राफ दिया है हीट के साथ. द ग्राफ गिवन अबव इंडिकेट्स द चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, टेम्परेचर चेंज हो रहा है. व्हेन हीट डेल्टा क्यू इज पास्ट, विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ग्राफ करेक्टली डिपिक्ट द लेटेंट हीट ऑफ सब्सटेंस.
तो लेटेंट हीट क्या होती है, जब टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, स्टेट चेंज हो रही होती है ना, तो वो बीसी और डीई है। लेटेंट हीट को बीसी एंड डीई डिनोट कर रहे हैं। ऐसे में टेम्परेचर क्या है, फिक्स है कुछ देर तक, है ना, ये मैंने कल समझाया था। बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, ऑल राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉडी ऑफ मास 2 केजी एंड अनदर बॉडी ऑफ मास 4 केजी ऑफ द सेम मटेरियल आर केप्ट इन द सेम सनशाइन फॉर सम इंटरवल ऑफ टाइम। इफ द राइज इन टेम्परेचर इज इक्वल फॉर बोथ द बॉडी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इन द रिगार्ड इज करेक्ट। एक 2 किलो ऑब्जेक्ट है, एक 4 किलो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, दोनों का सेम मटेरियल है तो सेम स्पेसिफिक हीट भी होगी। अब यहां पर राइज इन टेम्परेचर भी इक्वल हो रहा है, तो हीट एब्जॉर्ब्ड बाय बी इज डबल द, अब यहां पर देखिए जो बड़ा है उसका सरफेस एरिया भी बड़ा ही है, डबल ही है, तभी वो डबल हीट लेगा और सेम टेम्परेचर से अपना टेम्परेचर बढ़ा लेगा। जो बड़ा होगा वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा ना, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट, देखिए सेम टेम्परेचर तक दोनों को बढ़ाना है अपना टेम्परेचर, ठीक है ना। अब जो ऑब्जेक्ट बड़ा है उसको ज्यादा हीट चाहिए, वो उसका एरिया भी ज्यादा होगा, वो ले भी लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हीट एब्जॉर्ब्ड बाय बी जो कि 4 किलो का है इज डबल द बी एब्जॉर्ब्ड बाय ए। ए ऑप्शन आपका सही है, तो बी जो है डबल हीट एब्जॉर्ब करेगा, बिल्कुल सही है ब्यूटी, दैट्स करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बेटा 21st, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज 4 टाइम्स दैट ऑफ ब्रास। टू रॉड्स ऑफ कॉपर एंड ब्रास हैविंग सेम लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन आर जॉइंड एंड टू एंड। द फ्री एंड ऑफ द कॉपर इज एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड ऑफ द ब्रास इज 100 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन इज, ये कह रहा है कि थर्मल कंडक्टिविटी कॉपर की जो है वो 4 गुना है एज कंपेयर टू ब्रास, ठीक है। तो यहां पर जो 2 रॉड्स हैं उनकी सेम लेंथ और सेम एरिया है, ठीक है ना, तो ये एक रॉड है कॉपर की और ये ब्रास की, सेम लेंथ और सेम एरिया है, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कॉमन है। टेम्परेचर जंक्शन का आपको बताना है, मान लेते हैं टी टेम्परेचर क्या है वो निकालना है। कॉपर के इस तरफ आपका टेम्परेचर आ रहा है कितना, द फ्री एंड ऑफ द कॉपर हैज 0 डिग्री सेल्सियस, ये कॉपर है ब्रास है, ठीक है, एरिया भी सेम है लेंथ भी सेम है, तो कॉपर की तरफ टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस और यहां पर रखा गया है 100 डिग्री सेल्सियस। अब हीट फ्लो करेगी, ये सीरीज वाला कॉम्बिनेशन हुआ, ठीक है ना। तो टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन आपको निकालना है, जंक्शन में क्या आप देखेंगे टेम्परेचर, इसके लिए यहां पर आपको क्या करना होता है बेटा, इसके लिए मैं आपको एक जेनरिक फॉर्मूला बताऊंगा और डेरिवेशन भी कराऊंगा। जैसे यहां पर जो फॉर्मूला है वो ये है कि अगर मान लीजिए 2 रॉड हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, ठीक है, इसकी कंडक्टिविटी मान लो K1 है, इसकी कंडक्टिविटी K2 है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, और यहाँ पर T1 टेम्परेचर, यहाँ T2 टेम्परेचर है, सच दैट अगर T1 टेम्परेचर ज्यादा है तो हीट करंट ऐसा बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर इसकी लेंथ है X1 इस रॉड की और इस रॉड की लेंथ है X2, तो यहां पर आपका जो जंक्शन का टेम्परेचर होगा वो आप कैसे निकालेंगे, KTM बाइक का नाम सुना होगा आप, KTX बोलिए, KTX K1 K1 T1 X2, ठीक है, प्लस K2 T2 X1 अपॉन KX K1 X2 K2 X1। नीचे ऊपर टेम्परेचर है तभी यहां टेम्परेचर मिल पाएगा, नीचे लेकिन टेम्परेचर नहीं है ना, ऊपर टेम्परेचर है बस, ये आपका जंक्शन का टेम्परेचर होगा, ठीक है ना। अब एक्स दोनों की, यहां इस क्वेश्चन में दोनों की लेंथ X1 X2 सेम दी हुई है, ठीक है, तो यहां पर आप लिखोगे K1 कंडक्टिविटी अगर कॉपर की देखे तो 4 टाइम्स है ना, तो ये K1 आपका है 4 टाइम्स, 4K बोल देते हैं इसका, आप देखेंगे तो ये कंडक्टिविटी है सिर्फ K, तो इसी का 4 टाइम्स है कॉपर की कंडक्टिविटी। तो यहां पर आप फॉर्मूला लगा दीजिए, जंक्शन का आपको टेम्परेचर मिल जाएगा, T इज इक्वल्स टू K1 आपका हो गया 4K,
टी टेम्परेचर क्या है यहां पर, जीरो, ठीक है, क्लियर। और एक्स लेंथ तो एक्स ही है, दोनों की सेम है, वहां पर के टी टेम्परेचर आपका हो गया, दूसरे का टेम्परेचर है 100, यहां पर लेंथ इसकी एक्स ही है, के वन एक्स वन, के वन के टू एक्स वन, के वन एक्स टू एंड के टू एक्स वन, ठीक है ना, लेंथ तो सेम ही है, के टू के है और एक्स, ठीक है। तो यहां से आपको टेम्परेचर जंक्शन का मिल जाएगा 4kx, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, ये तो 0 हो गया, ये हो गया 100kx, ठीक है, 100kx डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5kx, तो कितना आ रहा है 20 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है ना, तो 20 डिग्री सेल्सियस जंक्शन का टेम्परेचर होगा, ठीक है। क्लियर, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए जो जंक्शन का टेम्परेचर निकालने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट थर्मल कंडक्टिविटी इज करेक्ट, थर्मल कंडक्टिविटी से लेकर कौन सी स्टेटमेंट सही है, स्टील, वुड, वाटर। देखिए सबसे ज्यादा कंडक्टिव है स्टील, दूसरे नंबर पर वाटर, ठीक है ना, और तीसरे नंबर पर आपका है वुड, ठीक है ना, तो स्टील वुड सबसे लास्ट में आएगा, स्टील वाटर वुड, वाटर फिर भी कंडक्ट कर लेगा, है ना, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हॉट ऑब्जेक्ट लूजेस हीट टू इट्स सराउंडिंग्स इन द फॉर्म ऑफ हीट रेडिएशन, तो एक ऑब्जेक्ट रेडिएशन निकालता है, रेडिएशन रेडिएट करता है, तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स सराउंडिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बताया था, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी तेजी से कूलिंग उसकी होगी, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है। क्वेश्चन नंबर 24, अ बकेट फुल ऑफ वाटर इज केप्ट एट रूम एंड इट कूल्स फ्रॉम 75 डिग्री सेल्सियस टू 70 इन T1 टाइम, फ्रॉम 70 टू 65 इन T2 टाइम्स एंड फ्रॉम 65 टू 60 इन T3 टाइम्स। तो जैसे जैसे आप देखेंगे टेम्परेचर फॉल का रेट ऑफ टेम्परेचर फॉल कम हो जाएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, इक्वल चेंज इन टेम्परेचर के लिए पहले कम टाइम लगेगा, 75 से 70 में जो टाइम लगेगा वो कम होगा, फिर 75 से जो 65 में होगा वो ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि कूलिंग स्लो हो रही है ना, जैसे जैसे टेम्परेचर गिर रहा है, फिर 65 से 60 में और ज्यादा टाइम लगेगा, तो T3 इज मैक्सिमम, T1 इज लीस्ट, बी ऑप्शन, ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, आंसर आप लोगों के आ रहे हैं और मैं देख भी रहा हूं, मुझे पता है कि कैसे बच्चे आंसर दे रहे हैं और बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, अ प्रेशर कुकर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, प्रेशर कुकर मैंने एक्सप्लेन किया कि इस प्रेशर पे काम करता है, हाई प्रेशर में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और आइस को पिघलाने के लिए मेल्टिंग पॉइंट, अगर प्रेशर लगाते हो तो मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है, ये दो चीजें याद रखना। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, ए ऑप्शन, एलिवेशन मतलब बढ़ जाना, आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर ऑफ अ गैस इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज ऑफ इट्स टेम्परेचर बिकॉज एट हायर टेम्परेचर, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, ज्यादा काइनेटिक एनर्जीज टकराएंगे तो वॉल्स पर प्रेशर भी ज्यादा लगाएंगे, गैस मॉलिक्यूल्स हैव हायर काइनेटिक एनर्जी तो वो ज्यादा स्पीड से टकराएंगे वॉल से और प्रेशर भी ज्यादा लगाएंगे, ठीक है। तो एक बार इन क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।
क्या आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस और पूरा करना चाहते हैं वर्दी पहनने का सपना इस सन 2023 में? आज ही संपर्क करें हमारे ऑफिशियल नंबर पर और ले जानकारी अपकमिंग डिफेंस एग्जाम्स के कोर्सेज की, जहां आपको मिलने वाली है रेगुलर क्लासेस, वीकली मॉक टेस्ट, फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री SSB इंटरव्यू क्लासेस, इंडिया का लार्जेस्ट GTO ग्राउंड, हॉस्टल एंड मेसिंग फैसिलिटी, स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस के साथ में 24/7 लाइब्रेरी फैसिलिटी भी। थैंक यू। जय हिंद। देश के सिपाही की तैयारी हम कराएं, बेस्ट से भी बेस्ट को बनाना हम सिखाएं, चोरा चोरी गांव शहर फर्क न देखे, चलो फिर से भारत को जगत गुरु बनाएं। देश के सिपाही की तैयारी हम कराएं, बेस्ट से भी बेस्ट को बनाना हम सिखाएं, चोरा चोरी गांव शहर फर्क न देखे, चलो फिर से भारत को जगत गुरु बनाएं। सेलिब्रेटिंग माउंटेन ऑफ सिलेक्शन, सेलिब्रेटिंग माउंटेन ऑफ सिलेक्शन, सेलिब्रेटिंग माउंटेन ऑफ सिलेक्शन, बेस्ट तैयारी फुल ऑफ परफेक्शन। देश के युवा में देशभक्ति का खून, सबके ही दिल में सिपाही सा जुनून, एयरफोर्स ने भी आर्मी सबसे ज्यादा पोटेंशियल, सेंचुरियन की एंट्री लो मिला अब सुकून, NDA की बेस्ट है तैयारी, MNS में भी सबसे है भारी, SSB इंटरव्यू फाइनल सिलेक्शन, FCAT भी स्ट्रेंथ है हमारी, डिफेंस ज्वाइन करना जॉब नहीं जीने का तरीका, अनुशासन में रहना ही तो हमने है सीखा, अगर तुमको है लगता कि तुम में नहीं बात, सिखाते जोश और जुनून पैदा करने का सलीका, गांव के स्टूडेंट यहाँ किसी से पीछे नहीं, कदम से कदम शहर से मिला रही है नीचे नहीं, चीफ SSB मेंटर सर दीक्षित है जहाँ तो 100% सिलेक्शन, बांध लो तुम फीते बाय। सेलिब्रेटिंग माउंटेन ऑफ सिलेक्शन, सेलिब्रेटिंग माउंटेन ऑफ सिलेक्शन, सेलिब्रेटिंग माउंटेन ऑफ सिलेक्शन, योर बेस्ट इन द लाइफ इज फुल ऑफ परफेक्शन। सेलिब्रेटिंग माउंटेन ऑफ सिलेक्शन, सेलिब्रेटिंग माउंटेन ऑफ सिलेक्शन, सेलिब्रेटिंग माउंटेन ऑफ सिलेक्शन, योर बेस्ट इन द लाइफ इज फुल ऑफ परफेक्शन। लखनऊ में भी परचम लहराया, देहरादून में भी पैर है जमाया, इंडियाज लार्जेस्ट GTO ग्राउंड में SSB NDA हाई सिलेक्शन कराया, ये छोरियां है कम दिमाग की करो दही नहीं, हमारी छोरियां तो छोरों से भी कम नहीं, सबसे ज्यादा गर्ल सिलेक्शन NDA का इंडिया में, किसी में भी दम नहीं, भारत के रक्षा क्षेत्र में सर्वाधिक सफलता, उत्सव है मना रहे ध्रुव तारा सा चमकता, कोई नहीं टक्कर में जहां हम है खड़े, देश के लिए हर जन मर मिटे, रखो खुद पे भरोसा और हम है सबके साथ, हौसला न टूटने पाए पते की ये बात, देश के है रक्षक हमारा स्वाभिमान, हमारा योगदान है सौभाग्य की ये बात। Celebrating Mountain of Selection.